उपगानिस्तान आखिर कैसे बन गया अफगानिस्तान? गांधारी और शकुनी का गांधार कैसे बन गया कंधार? जहां कभी इनकी पूजा होती थी वहां आज सिर्फ ऐसा कैसे रह गया? जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण और फिर मौत, ये सब कब से शुरू हुआ और हिंदुओं ने उस धरती पर क्या क्या झेला जहां पर उनका सनातन धर्म कभी अपने चरम पर पहुंचा था? जानते हैं आज कि इस्लाम के आने से पहले हिंदू अफगानिस्तान कैसा था और कैसे अफगानिस्तान से सनातन धर्म हमारे देखते देखते खत्म हो गया और हिंदू लुप्त हो गए। देखते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं उस युग में जब इस्लाम अफगानिस्तान में नहीं पहुंचा था। गांधार वैदिक काल से ही यानी 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हिंदू धर्म का केंद्र था। साफ तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि सनातन धर्म वहां कब से शुरू हुआ क्योंकि इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, पर इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों से सिंधु घाटी सभ्यता का रिश्ता था। ये सबूत हमें 3 से 4 हजार साल पहले ले जाते हैं, या फिर साफ साफ कहें तो 3500 साल पहले सनातन धर्म के सबूत अफगानिस्तान में मिलते हैं, जिनमें सबसे मुख्य हैं गांधार के गांधारी लोग और कंबोज लोग। आज के अफगानिस्तान के जो पशई या नूरिस्तानी लोग हैं, जो सारे के सारे मुस्लिम हैं, इन्हें भी वैदिक काल के लोगों का वंशज माना जाता है। शायद यही कारण है कि नूरिस्तानी लोगों को पहले काफिरिस्तानी भी कहा जाता था। और काफिर उन्हें क्यों कहा जाता था ये हम समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं इस्लाम के अफगानिस्तान आने के 100-200 साल पहले, जब 5वीं से 7वीं सदी के बीच कई चीनी यात्री जैसे फाहेन और स्वान सैंग अफगानिस्तान की बात करते हैं और बताते हैं कि यहाँ के कुछ इलाकों में बौद्ध धर्म माना जाता है। जाहिर है ये बौद्ध भी बाद में या तो कन्वर्ट हो गए या फिर इलाकों को छोड़ के भाग गए या फिर मारे गए। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले गफ्फार खान जी भी अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा ही कहते हैं। वो पश्तूनों के बुद्धिस्ट होने की बात करते हैं। पठान शब्द आया है पश्तून या पख्तून से। पख्तून शब्द आया है पख्ता कम्युनिटी से, जिनका जिक्र वैदिक ग्रंथों में मिलता है। यानी आज के पठानों का इतिहास भी वैदिक काल से ही जुड़ा है और ये पख्ता लोगों के ही वंशज माने जा सकते हैं। 650 से 850 के बीच तुर्क शाही और जुनबल्स ने अफगानिस्तान पे रूल किया, और नाम से शायद आपको लग रहा होगा कि तुर्क शाही है तो शायद ये मुस्लिम होंगे, पर ऐसा नहीं है। जो रिलीजन तुर्क शाही या काबुल शाही या जुनबल्स मानते थे वो थे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और एंशियंट ईरानियन रिलीजन। यानी हिंदू, पारसी, तुर्की, पश्तून सब यहाँ पर रहते थे और अभी तक किसी ने भी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया था। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो जुनबल्स थे ये सूरज की पूजा करते थे जिसे ये देवता मानते थे और जुन नाम से उसे बुलाते थे। और मजे की बात है कि आंद्रे विंक नाम के प्रोफेसर मानते हैं कि ये जो जुन देवता थे ये पारसी और बुद्धिज्म नहीं बल्कि हिंदू मान्यता के प्रतीक थे। खैर, अब आते हैं साल 653 पर जब इस्लाम पहली बार अफगानिस्तान पहुंचा। अब्दुल रहमान बिन समारा अपनी अरबी सेना के साथ अफगानिस्तान की तरफ पहुंचा और उसने जामिन दवार जीत लिया और वहां के मंदिर में जो मूर्ति थी उसका एक हाथ तोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि ये भगवान जो है उनकी कोई भी कीमत नहीं है, और उस मंदिर को लूट लिया। 665 में अब्दुल रहमान ने काबुल जीता। फिर वापस जाने से पहले उसने हजारों लोगों को कन्वर्ट किया और उसने अराकोसिया पर भी हमला किया जिसे हरवाती कहते थे, जो एक पारसी शब्द है जिसका इस्तेमाल होता है वैदिक सरस्वती के लिए। यानी हरवाती जो एरिया है वो सरस्वती नाम से जाना जाता था। हालांकि अब्दुल रहमान के आने के बाद भी अरबी रूल जो था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और जो हिंदू, पश्तून, नूरिस्तानी, पशई, हिंदकोवन ये जितने भी थे ये यहाँ पर अपना पुराना धर्म मानते रहे, यानी हिंदू धर्म, पारसी धर्म या बौद्ध धर्म। इसके बाद रूल शुरू हुआ हिंदू शाही का 850 से 1000 सेंचुरी तक। 870 में सफारिड डायनेस्टी ने ज़्यादातर अफगानिस्तान को जीत लिया और इसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुस्लिम गवर्नर्स नियुक्त करने शुरू कर दिए। इतना सब होने के बाद भी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहे और बात उतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी। लेकिन फिर 10वीं सदी में महमूद ऑफ गजनी आया, जिसके बारे में हम सब ने सुनाई है। उसका रूल चला 998 से 1030 तक और उसने गांधार से हिंदुओं को बाहर निकालना, मारना या कन्वर्ट करना शुरू किया और भारत पर 17 बार आक्रमण किया।
काबुल और दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा और हिंदू शाही के कमज़ोर पड़ने से गजनवी की ताकत बढ़ती गई। गजनी से गजनवी ने रूल चलाया और यहीं से अफगानिस्तान पूरी तरह से इस्लामिक होने लगा, या एक तरह से गजनवी के ही कारण अफगानिस्तान में और आज का जो एरिया पाकिस्तान है वहाँ पर इस्लाम फैला। उसने लाखों लोगों को गुलाम बनाया और हजारों मंदिर तोड़े। समय बदला और गंधार को अब कंधार कहा जाने लगा। हिंदू कुश की पहाड़ियों को हिंदू कुश कहा ही इसलिए गया क्योंकि हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं का हत्यारा, क्योंकि इन पहाड़ियों के मौसम को वो बेचारे झेल नहीं पाए जिन्हें गजनवी भारत से गुलाम बनाकर ले जाया करता था। और आखिरकार उपगनिस्तान अफगानिस्तान बन गया और देखते ही देखते सनातन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो धीरे धीरे अफगानिस्तान से ख़त्म होने लगा। 1970s में अफगानिस्तान में लगभग 2 लाख के करीब हिंदू और सिख थे। इसके बाद लगातार हिंदुओं और सिखों पे जुल्म बढ़ते गए और वो भारत आते गए। अब आते हैं साल 2021 में, जब अफगानिस्तान में मात्र 30 से 40 हिंदू रह गए थे। इसी साल तालिबान का रूल शुरू हुआ जिसके बाद उन्होंने भी अफगानिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। 5वीं सदी में मिली गणेश जी की ये मूर्ति आज भी काबुल के दरगाह पीर रतन नाथ मंदिर में रखी है, पर सनातन धर्म खुद वहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो शकुनी, गांधारी, फिर सम्राट अशोक या महाराजा रंजीत सिंह का जो ये अफगानिस्तान था जो कभी अखंड भारत का हिस्सा था, यही था उसका इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस तरह के वीडियोस मैं और बना सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।